वेलकम टू डबल है वैदिक ज्ञान केडी। एंड गाइस, आज का हमारा वीडियो होने वाला है बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का एक इम्पॉर्टेंट एंड टिपिकल सब्जेक्ट बोल सकते हैं थोड़ा सा, बायोकेमिस्ट्री। कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है और उसके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कम्प्लीटली दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उसके लिए आपके पास होना चाहिए सिलेबस। आप अपने साथ में सिलेबस लेके बैठे हो अगर तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको सिलेबस डाउनलोड करना है। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे अपना बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस के अकॉर्डिंग, देखना कि उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, तो चलिए सीधा सर्च करते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन पे आप आ जाइए या फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाइए, वहां पे आपको सर्च करना है आरजीपीवी। आरजीपीवी आपको नॉर्मली सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको जाना है सीधा स्कीम और सिलेबस आपको साइड में दिखाई दे रहा है, इस पे आपको नॉर्मली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको स्कीम की जगह डालना है यहाँ पे सिलेबस, उसके बाद आपको प्रोग्राम में डालना है बी फार्मा पीसीआई। उसके बाद देखिए यहाँ पे आ गए आपको सिलेबस पूरा ओपन होके आ गए सारे सेमेस्टर के। तो आपको यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर का जो ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है इस पे आपको क्लिक कर देना है और इस तरीके से आपके सामने सिलेबस ओपन होके आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब देखिए, अब सीधा बात करते हैं बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में आपका क्या दिया हुआ है, आपने सिलेबस ओपन कर लिया। अब आ जाते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर, देन बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट फर्स्ट से हम डिस्कस करेंगे। सो यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है आपका सबसे पहला जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट के अंदर, जो चैप्टर नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बायो मोलिक्यूल्स। व्हाट इज द टॉपिक ऑफ यूनिट फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री के, यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, बायो मोलिक्यूल्स, दैट इज बायो मोलिक्यूल्स। सो बायो मोलिक्यूल्स क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। बायो मोलिक्यूल्स के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे कि बायो मोलिक्यूल्स मतलब बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंपाउंड्स और मोलिक्यूल्स जो आपकी बॉडी के अंदर काम करे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हुआ, लिपिड हुआ, उसके बाद आपका बोल सकते हैं अमाइनो एसिड हुआ, प्रोटीन हुआ, ये सारी चीजें आपकी बॉडी के लिए एसेंशियल है, तो यही सब होता है बायो मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये फर्स्ट जो आपका बायो एनर्जेटिक्स में इसलिए दिया है क्योंकि बॉडी को काम करने के लिए, बॉडी को एनर्जी के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है आपकी, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल से हम डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अमाइनो एसिड, प्रोटीन, चार चीजें दी हुई हैं। आगे जब आप यूनिट देखेंगे सिलेबस के अंदर तो इसमें डिफाइन और क्लासिफिकेशन पूछेगा इन सारी चीजों का। ठीक है, सो ये हो गया। दूसरी चीजें आ जाते हैं आपके बायो एनर्जेटिक्स। अब बायो एनर्जेटिक्स क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जो आपकी एनर्जी स्टोर होती है या फिर बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनती है वो किस फॉर्म में बनती है और किस फॉर्म में बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है। जैसे कि आपने 3-4 दिन से कुछ भी नहीं खाया, खाना नहीं खाया, फिर भी ऐसा तो नहीं है कि एकदम से किसी भी लिविंग थिंग की डेथ हो जाती है, वो क्यों नहीं होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर होती है किसी ना किसी फॉर्म में, बॉडी के अंदर, बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और अगर उसे खाना भी ना मिले तो वो एनर्जी क्या होती है, धीरे धीरे रिलीज होती है और इसीलिए कमजोरी फील होना स्टार्ट हो जाता है अगर आप खाना नहीं खाते हैं। ठीक है, तो वही है बायो एनर्जेटिक्स। अब इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है मैं वो बता देती हूँ। मेन जो आपको पढ़ना है इसके अंदर वो पढ़ना है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफोस्फेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के सेल्स के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है वो होती है एटीपी के फॉर्म में। ठीक है, इसके अंदर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी क्या होती है, उसके बाद एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शन, एंडर्गोनिक एंड एक्सर्गोनिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है एक्सोडर्मिक एक्सोगोनिक रिएक्शंस का, उसके बाद आ जाते हैं आपका एंट्रोपी क्या होती है, रिडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है, एटीपी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद देखिए सेकेंड यूनिट, अगर सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट में दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, राइट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मतलब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट तो आपने ले लिया,
आपने खाना खाया, रोटी खाई, तो गेहूं के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट चला गया, लेकिन अब वो बॉडी के अंदर जाके काम क्या कर रहा है, क्यों हमारी बॉडी के लिए वो इतना जरूरी है, ये चीज आपने कभी सोची कि बॉडी के अंदर जाके उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ होगा? तो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि आपकी सेल के अंदर थाउजेंड ऑफ रिएक्शंस काम करती हैं। एक छोटी सी सेल के अंदर इतनी सारी रिएक्शंस काम करती है, जब आप पढ़ेंगे आगे लेक्चर्स में देखेंगे तो आप खुद भी बिलीव नहीं करेंगे कि इतनी सी सेल के अंदर इतनी सारी रिएक्शंस कैसे काम करती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने के लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ता है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने तक की प्रोसेस है। इसमें स्टेप्स है, रिएक्शंस है, एंजाइम्स काम करते हैं, सारी प्रोसेस इसके अंदर आती है। तो ये क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में काम आती है और इसी से हम एनर्जी का प्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, जो एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एनर्जी बनती है, वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है अपनी। ठीक है, उसके बाद इसमें दूसरा आ जाता है सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल ग्लाइकोलाइसिस साइकिल के आगे का पार्ट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही 100% ग्लाइकोलाइसिस और आपका सिट्रिक एसिड साइकिल, यूरिया साइकिल, ये सारी जो जितने भी पाथवे आपके दिए हुए हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सिट्रिक एसिड पाथवे जो है ये स्टार्ट होता है किससे, ग्लाइकोलाइसिस मतलब पाइरूविक एसिड की हेल्प से। जब आप पढ़ेंगे तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे भी एटीपी का प्रोडक्शन होता है और जब एटीपी का प्रोडक्शन होता है मींस एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो ये जो आपका पाथवे ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पाथवे आ जाता है एचएमपी शंट। एचएमपी शंट भी इंपॉर्टेंट पाथवे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म पाथवे, ग्लाइकोजन का, अब ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कर लिया, अब ग्लाइकोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे होगा। उसके बाद आते थे ग्लाइकोजिनोलाइसिस पाथवे एंड इट्स सिग्निफिकेंस। अब अलग से ग्लाइकोजिनोलाइसिस का पाथवे हमें यहाँ पे डिफाइन करना है और उसकी सिग्निफिकेंस बताने, उसके फायदे बताने। नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड डायबिटीज मेलाइटस। यहाँ पे आपको डायबिटीज मेलाइटस के बारे में डिफाइन करना है, उसके बाद हार्मोनल ब्लड ग्लूकोज लेवल के बारे में बताना है, बॉडी के अंदर कैसे काम करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं बात करूं सेकेंड यूनिट में से, तो आपका क्रैब्स साइकिल, दूसरा ग्लाइकोलाइसिस पाथवे और तीसरा आपका एचएमपी शंट। इसके अलावा कुछ भी प्रिपेयर करने की ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं है। आते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट में देखिए क्या दिया हुआ है, थर्ड यूनिट में दिया हुआ है आपका लिपिड मेटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट टर्म, एक क्वेश्चन 100% बनता है इसमें, लिपिड का मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर किस प्रकार होता है, कौन कौन से ऑर्गन से होता है, किस प्रोसेस से होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी गई है, बताई गई है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, सबसे पहले बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, सबसे पहले ये बता देती हूँ। देखिए सैचुरेटेड फैटी एसिड का मतलब होता है आपका बटर, घी, जो कि एटमॉस्फेयर के साथ, टेम्परेचर के साथ चेंज हो, लेकिन अनसैचुरेटेड मतलब कि जो चेंज ही ना हो, जैसे कि ऑयल, जो कि अपने बॉडी के लिए हार्मफुल भी होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका पूरा यही पूछा गया है थर्ड यूनिट के अंदर। फिर यहाँ पे आ जाते हैं अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। अब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है बॉडी के अंदर, ये सारी चीजें आ जाती हैं आपकी, ये भी लिपिड से रिलेटेड ही है, दोनों का मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर कैसे होता है। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ यूनिट न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म या फिर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर। बॉडी के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है, या फिर आपका जो अमाइनो एसिड है उसका बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म किस प्रकार होता है, ये सारी प्रोसेस आ जाती है आपकी फोर्थ यूनिट के अंदर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिफ्थ यूनिट की, तो एंजाइम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हार्मोन्स बनाने में भी, आपकी कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन अगर बॉडी के अंदर चल रही है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन, तो एंजाइम एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। जैसे किसी भी कैटलिस्ट के बिना कोई भी केमिकल रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, ऐसे एंजाइम के बिना कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना पॉसिबल नहीं है, तो एंजाइम्स का होना जरूरी होता है। यहाँ पे बहुत टाइप के एंजाइम दिए हुए हैं जिन्हें डिफाइन किया हुआ है। ओके गाइस, तो बायोकेमिस्ट्री में यही आपका सिलेबस है, टिपिकल है थोड़ा, लेकिन ज्यादा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको लास्ट में बोलना चाहूंगी कि अगर आप
बायोकेमिस्ट्री का टोटल वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अदरवाइज अगर आप बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं चारों सब्जेक्ट के, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी। उसके हमारे कोर्स के अंदर जैसे कि आपको पता ही है अभी चल रहा है होली का ऑफर, बहुत बड़ा बंपर धमाका है जिसमें 67% तक का अभी ऑफ चल रहा है, 67% तक का ऑफ चल रहा है, मतलब ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है आप लोगों के लिए। तो जल्दी से जाइए कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स का प्राइस कुल रखा है हमने 499 रुपए, 499 रुपए गाइस, जिसमें आपको मिलेंगे टोटल वीडियो लेक्चर्स चारों सब्जेक्ट के, वो भी हिंदी में, चारों सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स, चारों सब्जेक्ट की बुक्स, चारों सब्जेक्ट के आपको टोटल सेल्फ गाइडेंस मिलेगी। अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आता है अलग से उसके लिए डाउट सेशन रखा गया है जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अदरवाइज स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, हमारे नंबर फ्लैश हो रहे होंगे, आप डायरेक्टली हमें कॉल करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है। अदरवाइज आप डायरेक्ट लिंक से जाके भी पेमेंट करके कोर्स के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने का प्रोसीजर क्या है उसकी वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।